हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया अरुण देकर। आपका प्रयास फूड क्लब पे स्वागत है। आप सबको ईद मुबारक। आज इस वीडियो में आप देखेंगे चॉकलेट फ्लेवर हार्ट शेप का बास्केट फ्लावर केक किस तरह बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। पहली मर्तबा आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ मैंने हार्ट शेप के टिन में चॉकलेट स्पंज केक को बेक करके लिया है। स्पंज केक ठंडा होने के बाद नाइफ के सहायता से इस तरह से टिन से अलग करके लेना है। ट्रे या प्लेट पे केक टिन को पलट लेना है और केक टिन से केक को बाहर निकाल देना है। चॉकलेट स्पंज केक की लिंक और इंग्रेडिएंट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक करिए। केक को कट करते वक्त नाइफ को इस तरह से साइड से घुमाकर अंदर की तरफ कट करते हुए केक का पहला लेयर कट करके लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं केक के अंदर का टेक्सचर बहुत ही अच्छा स्पंजी आया है। अब जैसे पहला लेयर कट किया उसी तरह सेकेंड लेयर को कट करके लेना है। आप वीडियो में देखिए मैं किस तरह कट कर रही हूँ। इस तरह केक के तीन लेयर्स कट करके लेने हैं। केक बोर्ड पे सबसे पहले थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगा कर लेते हैं और उसके ऊपर पहला लेयर रख देते हैं। उसके बाद लेयर के ऊपर शुगर सिरप या पानी को अच्छी तरह से लगा कर लेना है। उससे केक अच्छा मॉइस हो जाता है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो एक कटोरी या बोल में पानी लेना है या शुगर सिरप लेना है और चम्मच की सहायता से लेयर पे लगाने के बाद आप यह वीडियो में देख सकते हैं मैं लेयर के ऊपर व्हिप क्रीम लगा कर ले रही हूँ। मेरे पास चॉकलेट सिरप की बॉटल थी इसलिए मैंने क्रीम के ऊपर इस तरह से आप देख रहे वीडियो में चॉकलेट सिरप को डाल लिया। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप की बॉटल नहीं तो उसके जगह पे चॉकलेट गनाश घर में बनाकर क्रीम के ऊपर डालकर इस तरह से स्प्रेड कर देना है। क्रीम के ऊपर थोड़े चोको चिप्स लेकर उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं और उसके ऊपर सेकेंड लेयर रख देना है बराबर। सेकेंड लेयर के ऊपर सेम प्रोसेस से पानी को लगा कर लेना है सभी जगह से और फिर उसके ऊपर क्रीम को स्प्रेड कर देना है सभी जगह से अच्छी तरह से। स्पंज के ऊपर क्रीम की लेयर अपने हिसाब से पतली या मोटी लगा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लेयर के ऊपर चॉकलेट सिरप डाल लिया है जैसे पहले लेयर के ऊपर किया था उसी तरह और फिर अच्छी तरह से स्प्रेड करके लेना है। थोड़े चोको चिप्स स्प्रिंकल करने के बाद केक का तीसरा लेयर रख देना है और केक के बॉटम में जो बटर पेपर लगाया था उसको निकाल देना है। केक के लेयर्स असेंबल करते वक्त मैंने तीन लेयर्स में सेकेंड लेयर्स को पहले रखा, फिर उसके ऊपर टॉप लेयर्स रखा और फिर बॉटम की लेयर रख दी। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बॉटम के लेयर को टॉप पे रख कर उसके ऊपर क्रीम लगा दिए हैं और अभी साइड में भी केक के क्रीम लगा कर लेना है और पूरा कवर करके लेना है क्रीम से। केक को क्रीम से पूरा कवर करने के बाद एक प्लास्टिक स्क्रैपर लेकर उसके सहायता से आप वीडियो में देखें इस तरह से उसको साइड से घुमाकर प्लेन करके लेना है। उसके बाद पैलेट नाइफ से
टॉप के ऊपर एक्सेस क्रीम को निकाल कर लेना है। केक की क्रम्बल कोटिंग करने के बाद केक को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ मैंने टूथपिक की सहायता से एक लाइन्स मार्किंग कर दिए है और उस एरिया में मैंने जो ब्राउन कलर की मुझे बास्केट टेक्सचर देनी है वो पहले मैं एक लेयर पतली सी लगाकर कवर किया है पूरा एरिया, और फिर साइड में जो क्रीम लगी है उससे मैं क्लीन करके ले रही हूँ। पाइपिंग बैग में स्टार नोज़ल लगा हुआ है और अंदर ब्राउन कलर की क्रीम है, उसके सहायता से आप यहाँ देख सकते हैं मैंने एक लाइन ड्रॉ की है वर्टिकल, फिर दूसरी लाइन निकाली, फिर पहली लाइन के ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन निकाल कर दूसरी लाइन पर भी हॉरिजेंटल लाइन निकालनी है, और जो स्पेस है उसमें इस तरह लाइन निकाल कर साइड में फिर एक वर्टिकल लाइन निकाल देनी। इस तरह प्रोसेस रिपीट करना है और जो बास्केट का टेक्सचर है उस तरह आइसिंग कर देनी है। फ्रेंड्स, आपने देखा ये बास्केट का टेक्सचर देने से पहले इसका जो कलर है ब्राउन कलर उसकी कोटिंग मैंने पहले करके ली केक के ऊपर, और फिर उसके ऊपर इस तरह बास्केट का टेक्सचर दिया। टेक्सचर देते वक्त कई जगह पे थोड़ी सी स्पेस रह जाती है, अगर सेम कलर की कोटिंग हो तो दिखने में भी बहुत अच्छा लग जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं जो जॉइंट है उसमें मैं ऐसे एक आगे पीछे करके एक ऐसे लाइन करके ये बास्केट मैंने कंप्लीट कर दिया, आप देख सकते हैं। रोसेट नोजल का इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई नंबर नहीं है, ऐसे मुझे मिला मार्केट में, मैंने ख़रीद लिया। अब ये नोजल को इस तरह पाइपिंग बैग में डालकर मैंने पहले पाइपिंग बैग को कट किया है, आप देखिए इस तरह सेट कर देना है। रोसेट नोजल का साइज मीडियम है, उसके सहायता से आप देख सकते हैं मैंने पिंक कलर की क्रीम भरी है पाइपिंग बैग में। रैंडमली आप सभी जगह ऐसे रोजेस निकाल कर पूरा कवर कर सकते हैं। आपने वीडियो में देखा क्रम्बल कोटिंग करने के बाद फाइनल कोटिंग नहीं की इसलिए कि बास्केट और रोजेट्स का आइसिंग करना था। केक के टॉप पर इस तरह से रोसेट निकालने के बाद केक के साइड में भी उसी तरह रोसेट निकालने हैं और केक की साइड को पूरा कवर कर देना है, आप वीडियो में देखिए। और कई जगह पे अगर आपको लगे वहाँ स्पेस है तो छोटे रोसेट निकाल देने हैं और केक को अच्छी तरह से कवर कर देना है। छोटे और बड़े रोसेट की आइसिंग करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लीफ नोजल लिया है और पाइपिंग बैग में ग्रीन कलर की क्रीम भरी है, उसके सहायता से आप वीडियो में देख सकते हैं रोसेट के साइड में इस तरह से लीव्स की आइसिंग कर देनी है। बहुत ही आसान है लीव्स की आइसिंग करना, आप यहाँ देख सकते हैं पाइपिंग बैग को हल्का सा प्रेस कर देना है और ऊपर की तरफ खींच लेना है। अब ये पूरा बास्केट छोटे बड़े फूलों से मतलब रोजेस से भर दिया है और साथ में हरे रंग के पत्ते भी निकाल दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
लीव्स की आइसिंग करने के बाद एडिबल गोल्डन बॉल्स लेकर एक एक करके रोजेस के सेंटर में इस तरह लगाने से आप यहाँ देख सकते हैं। ये फूलों का रोजेस का बास्केट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपने पूरे वीडियो में देखा चॉकलेट का जो स्पंज था उसकी लेयरिंग करते वक्त क्रीम के ऊपर चॉकलेट सिरप को इस्तेमाल किया, फिर उसके ऊपर चोको चिप्स डाले और इस तरह केक की आइसिंग होने के बाद मेरे पास कुछ वर्मिसली थी चॉकलेट्स की, तो जो बास्केट है उसके बॉटम में इस तरह मैंने ये वर्मिसली लगा दी। अब ये केक पूरी तरह से अंदर और बाहर चॉकलेट का हो गया। इस तरह चॉकलेट फ्लेवर का हार्ट शेप का फ्लावर बास्केट केक तैयार हो गया। सिलिकॉन का लेटर्स का मोल्ड है, ये आपको मार्केट में नहीं तो ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आप कंपाउंड चॉकलेट, डार्क कंपाउंड या व्हाइट चॉकलेट में कलर डालकर भी आपको जो लेटर्स चाहिए वो आप भर कर फ्रिज में रख सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, और जैसे सेट हो जाएंगे तो निकाल कर आप केक के ऊपर या साइड में लगा सकते हैं। आज मैंने ईद मुबारक के लेटर्स इसमें तैयार करके लिए, और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने साइड में लगा दिए हैं। ख़ास दिन या त्यौहार हो तो आप इस तरह का चॉकलेट फ्लेवर का हार्ट शेप फ्लावर बास्केट केक बनाकर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय।